अभी अक्षर पटेल की बल्लेबाजी से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है अक्षर पटेल। जी हाँ, उन्होंने कुछ कारनामा ही ऐसा किया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत को असंभव सी लग रही जीत दिलाने के बाद अक्षर की तारीफ इस वक्त हर जगह हो रही है। वही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका शर्मा से लेकर अनुष्का शर्मा और जडेजा की पत्नी रीवा सोलंकी ने उनको लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उनकी तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर सच में आप भी हैरान होने वाले हैं। अगर आपको भी उनके बयान के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर में से आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत एक वक्त 205 रनों पर अपने 5 विकेट गवा चुका था। इसके बाद अक्षर पटेल के साथ दीपक हुड्डा भारत को जीत के करीब पहुंचाते कि वो भी अकेला हुसैन की गेंद पर हेडन वॉल्श को कैच देकर पवेलियन लौट गए। अब यहां से भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थी क्योंकि आने वाले बल्लेबाज केवल शार्दुल ठाकुर ही थे और उन्होंने पिछले काफी समय से कोई बड़ा कारनामा नहीं किया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शार्दुल ठाकुर भी जल्दी पवेलियन लौट गए लेकिन एक छोर पर अक्षर पटेल अकेले कैरिबियन गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और उनकी जद्दोजहद आखिरी तक चलती रही। जैसा कारनामा कुछ समय पहले भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, वैसा ही कुछ प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्षर पटेल ने किया। बता दें कि आखिरी 12 गेंदों में भारत को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी। इसके बाद आवेश खान ने के चौके के साथ आखिरी ओवर में 8 रन रह गए थे और फिर काइल मेयर की गेंद पर छक्का लगाते हुए पटेल ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई और दुनिया को अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। और इनकी शानदार बल्लेबाजी पर रितिका शर्मा से लेकर अनुष्का शर्मा और जडेजा की पत्नी रीवा सोलंकी ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका शर्मा ने अपना बयान देते हुए ये कहा है कि अक्षर की इनिंग सच में इनक्रेडिबल है। उन्होंने जैसी पारी खेली वैसा मैंने बहुत ही कम देखा है। मुझे लगा कि भारत हार जाएगा लेकिन उन्होंने हमें गलत साबित किया और पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में भारत हार जाएगा और उनकी अच्छी पारी भी बेकार चली जाएगी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनके अंदर जैसी धोनी जैसी काबिलियत है और वो आगे जाकर ऐसे बहुत बड़े कारनामे कर सकते हैं। उनकी पारी के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, रितिका शर्मा के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा है कि सच में ऐसा कर पाना अपने आप में एक महान काम है। अक्षर पटेल, आप सच में ग्रेट खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से आप भारत को जीत दिलाकर आए हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके द्वारा किए गए सारे प्रदर्शनों में से ये मेरा फेवरेट है। गेंदबाजों के साथ भारत को जीत दिलाना ये सच में असंभव सा काम है। आप ऐसे ही सदा आगे बढ़ते रहें, आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, रितिका शर्मा अनुष्का शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा सोलंकी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि हमारी टीम जीत गई। अगर अक्षर न होते तो हम ये मुकाबला कब का हार चुके होते। लेकिन उन्होंने जैसी पारी खेली है वैसी क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है। मैं उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश हूं। उन्होंने हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया है। अक्षर पटेल की शानदार पारी के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों की पत्नियों ने अपना बयान दिया है उससे तो ये बात साफ जाहिर होती है कि न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी और क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज अक्षर पटेल की पारी के दीवाने हैं बल्कि हर एक भारतीय उनका फैन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल को T20 विश्व कप में भी मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।